कर देंगे इसे ही आज। अरे ना इसे ये तो गई ना, ये तो हमें कागज पागल में कुछ है भी ना। ये भर कब गया था गैस इसमें? भरी नहीं है, ये तो भरी नहीं है, मतलब वो कार्रवाई चल रही है इसकी ना। 2008 से जिला बना तब से भरी नहीं है? नहीं भरी है, मतलब हाँ कार्रवाई चलती है ना तो लखनऊ सैंक्शन होके आएगी तो वहां से मतलब ये भरे जाएंगे जी। हेलो तो बाहर निकलने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। बुलडोजर ऑपरेशन का यूज खास तौर से जब सीवर लाइन या कोई गैस है जैसे अमोनिया, क्लोरीन, जहरीली गैसों का रिसाव होता है वहाँ पर बुलडोजर ऑपरेशन का खास महत्व होता है। सामान्य आगों को बुझाते समय बुलडोजर ऑपरेशन का कोई खास महत्व नहीं है। ये सारे सामान हमारे टेंडर के अंदर ही उपलब्ध रहते हैं। कर्मचारी और घटना स्थल पर मौजूद फायर यूनिट जो भी लीड कर रहा होता है उसकी जिम्मेदारी है वो किस तरह से उसे लीड करे और जरूरत होती है तो उसके लिए CFO महोदय और जो भी इंचार्ज होते हैं वो सारे सब देते हैं व्यवस्थाएं। सामान्य आंखों पर नहीं होता है सब। आज इतनी बड़ी भीषण आग थी जिसमें धुएं के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, लोग घबरा रहे थे पूरी तरह, आपके कर्मचारी फायरमैन भी? ऐसा है भाई साहब, हम लोग कभी नहीं घबराते। अगर हम घबराएंगे तो फायर फाइटिंग कर ही नहीं पाएंगे। घबराना नहीं कहते हैं उसको, जैसे आप बता रहे हैं घबराना नहीं है, वो तो हमारे काम का हिस्सा है। वो घबराना नहीं होता है, आग होती है, धुआं होती है, मुंह धुल लेते हैं, अंदर घुसते हैं, अगर कोई आदमी फंसा हुआ है उसे भी निकाल के लाते हैं, सामान को भी बचाते हैं। और धुआं नहीं होगा तो आग कहां से होगी? पहले तो धुआं ही बनता है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट पे जब हम पानी डालेंगे तो और ज्यादा धुआं होगा। पानी नहीं डालेंगे, धुआं नहीं होगा तो आग बुझेगी कैसे? आग को बुझाने के लिए धुआं तो बहुत ही जरूरी है। स्मोक के रोकने के लिए किसी तरह का उपकरण था? जबकि लोग अधिकतर देखा जाता है कि आधुनिक साधन नहीं मिल पाते हैं, उसकी वजह से लोगों को दिक्कत आती है, दमकल कर्मियों को। इसके लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है आपके लिए? व्यवस्थाएं तो मतलब हो रही हैं, काफ़ी व्यवस्थाएं हैं मतलब, और उसमें जो है कि इमरजेंसी में एकदम तुरंत भाग जाता ना आदमी है तो। यानी आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है इस वक्त? नहीं है, अंदर है। तो क्यों नहीं ले गया आज इतनी बड़ी घटना? वो मतलब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, मतलब इतना धुआं नहीं। तो फिर क्यों भाग रहे थे कर्मी अंदर से बाहर? वो तो ऐसा है थोड़ा, मतलब जब वहाँ का वातावरण विषैला हो जाता है तो थोड़ी सांस लेनी पड़ती है बाहर। सतेंद्र, आज जो भीषण आग लगी थी उसमें किस तरीके से आपने आग पर काबू पाया? सर हम लोग गए थे तो देखा सर, काफ़ी अंदर थी उसमें आग, जो अंदर जो स्टोर था उसमें काफ़ी सामान था सर, तो बहुत सारा धुआं भरा हुआ था सर। तो बड़ी गाड़ी मंगाई, उसके बाद क्रोवार मंगाया के मतलब शीशे वीशे तोड़ के तब सर आग बुझाई सर अंदर से। क्या वजह मिलती है आपको? संसाधन नहीं मिल पा रहे, दमकल कर्मी नहीं दे पा रहे ताकि आपको परेशानी का सामना करना पड़ा सर? परेशानी तो बहुत हुई सर, BA सेट नहीं था सर, कुछ नहीं था तो थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन सर आग बुझा ली। क्या विभाग के पास है BA सेट? सर BA सेट है सर, स्टोर में है सर, वो हम लोग यूज़ करने के लिए नहीं मिलता सर। क्यों नहीं मिल पाते यूज़ करने के लिए? सर ये लोग तो सर अधिकारी लोग ही जान सकते हैं। मैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें हार्ट फेल होने का डर भी रहता है? जी सर, बहुत धुएं में सर बहुत सारी दिक्कत हुई सर, बहुत ज़्यादा बाहर आके गेरोसी जैसी हालत हो गई थी।